क्या आपको पता है Vivo X80 Pro में कोई भी लेंस सपोर्टेड नहीं होता है? आपका पहले Poco X2 में जैसे कोई भी लेंस सपोर्ट नहीं होता है। अभी बहुत सारे ऐसे फोन आ रहे हैं जिसमें कोई भी लेंस सपोर्ट नहीं करता है, जैसे का मतलब है कि आपको कोई लेंस होल्डर का जरूरत है, जैसे कि आपका जो यूनिवर्सल क्लिप्स आते हैं लेंसेस बॉक्स के अंदर वो सपोर्टेड नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आज रिव्यू करेंगे एपेक्सल का न्यू लेंस होल्डर के बारे में और देखेंगे इसमें कितना इजी है लेंस को अटैच करने के लिए कोई भी फ़ोन में। आपका क्लिप सपोर्टेड हो या ना हो, ये लेंस होल्डर आपका यूनिवर्सल है, कोई भी फ़ोन में सपोर्ट कर लेगा। सबको पता है मैंने न्यू फ़ोन लिया है Vivo का X80 Pro और उसमें कोई भी लेंस सपोर्टेड नहीं होता। मेन कैमरा है बहुत ही डिस्टेंस से, टॉप से और साइड से। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला लेंस होल्डर यूज करता हूँ। ये एपेक्सल का न्यू लेंस होल्डर आया है और आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें हम कहीं पे भी कैमरा हो तो आराम से एडजस्ट करके लगा सकते हैं। ये लेंस होल्डर बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इस वीडियो में हम यूज कर रहे हैं कांसे का 75mm मैक्रो लेंस और जैसे कि आप देख सकते हैं इसको स्क्रू करना कितना ईजी है। बस आपका होल्डर परफेक्टली सेंटर में लगना चाहिए कैमरा का, और पहले होल्डर को लगाने के बाद उसके बाद हम लेंस को लगाएंगे और बस उसको थ्रेड में रोटेट कर देंगे तो आराम से लेंस लग गया। तो चलिए टेस्ट करते हैं इस मैक्रो लेंस से कैसा आउटपुट आता है। जैसे कि आप सबको पता है ये बहुत ही हाई प्रोफेशनल ग्रेड मैक्रो लेंस है, इससे बहुत बढ़िया बोके इफेक्ट आता है और आप देख सकते हैं इसका जो फोकस डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर तक आप फोकस डिस्टेंस से मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट करेंगे जूम लेंस का, जिसमें हम जूम लेंस इस होल्डर में कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा मैं और जूम लेंस से बहुत बढ़िया फोटोज लेंगे। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो नीचे आप सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।